बिजली विभाग के मिर्जापुर केंद्र पर पदस्थ लाइनमैन हेल्पर सुनील लोधी ने कल रात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आज जिला अस्पताल में उसके शव का पीएम कराया गया। इस दौरान परिजन और गाँव के अन्य लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मिर्जापुर केंद्र के जेई संतोष विशोरिया पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसे पिछले कुछ दिनों से लगातार 1 लाख की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने और आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते उसे नौकरी से हटाने की धमकी भी संतोष द्वारा दी जा रही थी। इसी प्रताड़ना के चलते सुनील ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इधर पीएम होने के बाद परिजनों और गाँव वालों ने जेई संतोष के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने और जल्द नामजद रिपोर्ट करने की मांग को लेकर हाईवे बाईपास पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस के समझाइश के बाद चक्का जाम हटा। विदिशा पठारी से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कल रात्रि में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका नाम सुशील कुमार लोधी था। बताया जा रहा है कि वो लाइनमैन हेल्पर थे और उन्होंने सल्फास खाकर आत्महत्या की है। इस तरह के तथ्य अभी तक आए, हमने इस पर से मर्ग कायम करके जांच में ले लिया है। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, उसे भी जब्त कर लिया है और जांच में जैसी कार्रवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये अभी अनुसंधान से संबंधित विषय है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। सिंह लोधी कस्बा अहमदपुर। मेरे भाई ने संतोष बिसोरिया कारण सेल पास खा ली है। पुलिस ने बयान दर्ज करे थे, कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, मैंने सर मेरे को मालूम नहीं है। जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसी में उनका नाम दर्शाया गया है। क्या लिखा है सुसाइड नोट? मैं बिसोरिया जी के कारण नौकरी से हटा रहे हैं, इसलिए आत्म सेल्फास का रात में हत्या कर रहा हूँ। और वो बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये में क्या वो लड़के मिल जाएंगे क्या, और मेरे से 10 लाख रुपये की डिमांड करी। कुछ पुलिस ने फिर कुछ एक्शन लिया? अभी कुछ नहीं लिया। कब की बात है, कब की घटना? कल की है। कितने बजे लगभग? कल शाम को 5 बजे। सुसाइड नोट क्या पुलिस ने जब्त किया? हाँ, अभी तो नहीं किया, उन्होंने बोला है आपके पास ही रखे थे। सुनील लोधी। मेरा राजेश लोधी, ये मेरे बुआ का लड़का है। मामला ये हुआ है कि एमपीबी में वो करीब 15 साल से कार्यरत था, संविदा के तौर पे था, वो अस्थाई उसमें 15 साल से सेवाएं दे रहा था। अभी कुछ महीनों से मिर्जापुर डीसी के जेई संतोष बिसोरिया जी उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि मुझे पैसे ला के दो, नहीं तो 50,000 में और भी लड़के मिल जाएंगे। तो उस प्रताड़ना से तंग आकर, गरीब परिवार है, गरीब व्यक्ति है, वही कमाने वाला था घर में इनके, तो वो कहाँ से ला के 1 लाख रुपए दे? वो 15 साल से विद्युत मंडल में सेवाएं दे रहा, उसके बाद मतलब ये अधिकारी उससे मांग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कि पैसे हमको ला के दो, तो ये कोई मांग नहीं होती। इस तरह के का भ्रष्टाचार मतलब अधिकारी करेंगे अपने छोटे कर्मचारियों के साथ, तो ये विभाग कैसे चलेंगे? तो हमारी मांग यही है। और वो भी एक सुसाइड नोट लिख के छोड़ के गया है, कुछ लोगों को वीडियो कॉलिंग भी उसने की, अपनी प्रताड़ना सुनाई उसने, तकलीफ और वेदना जो उसकी थी, कुछ महीनों से परेशान था, वो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, संतोष बिसोरिया का नाम लिखा है। तो हम सभी परिवारजन और गाँववासी मोहल्लेवासी ये मांग करते हैं प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से और शासन से, कि संतोष बिसोरिया के नाम दर्ज FIR होना चाहिए। और आज ये पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया है, वही कमाने वाला था एक लड़का, आज उनके ये बड़ा भाई है तो ये भी बीमार रहता है, माता पिता हैं बूढ़े हैं। तो हमारी मांग ये है कि घर में इनमें किसी को नौकरी एक मिले और जिससे उनका घर परिवार चल सके, वो बिसोरिया के नाम दर्ज FIR हो, ऐसी हमारी मांग रहेगी। और हाँ, ड्यूटी पे था, ड्यूटी पे उसने सुसाइड की है जी, सुसाइड नोट में सब लिख के गया है। अहमदपुर में करता था जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।